आपको याद होगा जब इलोन मस्क ने पहली बार $44 बिलियन में ट्विटर को परचेस किया, तो उसी रात को सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग अरेंज करने के बाद उनने उस रूम से ट्विटर में फायर वॉर स्टार्ट करी। इस वॉर में ट्विटर के पिछले सीईओ मिस्टर पराग अग्रवाल, मिस्टर सेगर विगाया गेड्डी जो ट्विटर के लीगल पॉलिसी एग्जीक्यूटिव हैं, और साथ ही साथ वहाँ के सैन डेडजी जो वहाँ के जनरल काउंसिल है, उसके साथ 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज इस वॉर में अपनी जॉब्स खो देते हैं। इस वॉर में ट्विटर के एम्प्लॉयज ने पूरी तरीके से कोशिश करी कि इसे किसी तरीके से रोका जाए। जितने भी ट्विटर के पिछले एम्प्लॉयज थे उन्हें काफ़ी डर था और वो इलोन मस्क के प्लान्स के पूरे अगेंस्ट थे, लेकिन इलोन मस्क रुके नहीं। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि अगर उन्हें फाइन्स भरनी भी पड़ेंगी तो वो भरेंगे, लेकिन ये वॉर होके रहेगा। और ये वॉर स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे एम्प्लॉयज जाने के बाद ट्विटर में बहुत बड़े झटके देखने को मिलते हैं। ट्विटर का सबसे मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें वॉल्सवैगन, एप्पल, ऑडी जैसे कंपनीज भी ट्विटर में अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टॉप कर देती है। जितने भी एम्प्लॉयज उस टाइम पे ट्विटर में टिके हुए थे, उनको इलोन मस्क कहते हैं कि ट्विटर इस टाइम पे बहुत बुरी कंडीशन में खड़ा है। जितनी अमाउंट में ट्विटर परचेज हुई है वो उसके आधे के लायक भी नहीं है। ट्विटर अभी बहुत बड़ी फाइनेंशियल डेट पे खड़ा है और इसे रिकवर करना इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो कड़ी मेहनत के साथ ट्विटर को संभालने में लग जाएं। वो कहते हैं कि ट्विटर को और भी बेटर बनाया जाए और इवन जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस बने और हर किसी के लिए एक फ्री टू स्पीच प्लेस हो। इस विज़न को कंप्लीट करने के लिए जो भी एम्प्लॉयज उनका साथ देना चाहते हैं वो इस ट्विटर पे रुक सकते हैं और उन्हें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस विज़न के साथ ट्विटर की स्टार्ट होती है। और आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस डेट में जो ये विज़न इलोन मस्क का था वो कितने हद तक कम्प्लीट हुआ, और इवन इस ट्विटर को लेकर इलोन मस्क ने ऐसे कौन कौन से स्टेप उठाए जो आज हम लोग को ट्विटर में देखने को मिलते हैं और इवन फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। Elon Musk bought it. Tesla CEO Elon Musk has already made change. Accidentally firing people over at Twitter. Taken control of the social media giant. Some of the employees back. उस टाइम पे अपने विजन में जो इलोन मस्क पूरी कॉन्फिडेंट थे, कुछ समय के बाद उन्हें काफी क्लियरली पता चलता है कि ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। जो एम्प्लॉयज उसके जॉब्स लेफ्ट करके गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे लेफ्ट करने से कंपनी को बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसा क्लियरली देखने को मिलता है। इलोन मस्क पब्लिकली आकर एक ट्वीट करते हैं जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ होता है कि वो अपने पास्ट सिचुएशंस के जितने भी मिस्टेक है उसको लेकर क्लियरली अपोलोजाइज करते हैं। उनकी जो गलती है वो उस समय का सिचुएशन था, ये सही है या गलत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो एक गलती था उसे इग्नोर करें और जो इम्प्लॉयज गए हैं वो आकर अपने जॉब ज्वाइन कर सकते। ट्विटर के जो सबसे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एडवर्टाइजमेंट, इसके मामले में जब इलोन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर करा था तो इन्हें अपनी एडवर्टाइजमेंट रोके थे। इस मामले में इलोन मस्क कहते हैं कि वॉल्सवैगन एक ऐसी कंपनी है जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल के नए टाइप के इनोवेशंस देखने को मिले हैं। बहुत मेजर चेंजेस वॉल्सवैगन ने करे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, और कुछ नई इनोवेशन से वॉल्सवैगन जाना जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। आज के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें बड़े अच्छे चेंजेस वॉल्सवैगन के कारण देखे गए। इस मामले में वॉल्सवैगन कोई रिप्लाई तो नहीं करता है, लेकिन ट्विटर की तरफ से पूरी पॉजिटिव एफर्ट लगाई जाती है। जब एप्पल ने एडवर्टाइजमेंट बंद करी थी तो इलोन मस्क खुद हेडक्वार्टर जाकर इस मामले में बात कर रहे थे, लेकिन एप्पल से कोई रिप्लाई नहीं आता। और एक टाइम के बाद एप्पल ने तो ये भी थ्रेट करा था इलोन मस्क को कि वो ट्विटर को बैन कर देंगे अपने फ़ोन में, लेकिन कुछ समय के बाद जो ट्वीट्स आई उसमें इलोन मस्क काफ़ी क्लियरली कहते हैं कि उनके टीम को के साथ काफ़ी बातें अच्छी हो गई है और एप्पल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उनने भी इस ट्वीट के साथ ये एफर्ट दिखाया था कि एप्पल अब उसके मामले में सही है, इवन कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगा। मैं स्क्रीन पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये एग्जैक्टली उस टाइम का ट्वीट है जब इलोन मस्क ने एप्पल को एक पॉजिटिव फीडबैक देते हुए ट्वीट करा था। उस टाइम के अमेरिकन के बड़े प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें भी ट्विटर जब बैन किया था तो कुछ टाइम के बाद उन्हें भी अनबैन कर दिया ट्विटर ने। इवन जो ट्विटर के जो वेरिफिकेशन चेकमार्क है, ब्लू टिक जो ट्विटर के अकाउंट में देखने को मिलता है, उन्हें भी ट्विटर ने बैक टू बैक हटाना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और जर्नलिस्ट जैसे लोगों के अकाउंट से ये ट्विटर हट गया था। और इलोन मस्क का कहना था कि इसमें एक बेसिक सा $8 सब्सक्रिप्शन ऐड रहेगा, साथ ही साथ जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाँ, जो चेंजेस हमें इंटरनेट में देखने को मिलेंगे वो एक्चुअली कुछ ऐसा है कि ट्विटर ने ब्लू और ब्लैक टाइप के चेक मार्क्स ऑफर करे हैं यूजर्स को, और स्पेशल टाइप के एक बैचेस पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज जो अपनी आइडेंटिटी शो करना चाहते हैं, इसमें येलो चेक भी देखने को मिलेंगे कॉर्पोरेट फील्ड वालों के लिए, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर गवर्नमेंट की कॉर्पोरेट सेक्टर्स की कोई ऑफिसर्स हैं उसके लिए ग्रे चेक होगा, और इवन इन लोगों के लिए भी एक स्पेशल टाइप का सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेंगे।
और इवन ये जो पेड अकाउंट्स होंगे इसे सबसे ज़्यादा एल्गोरिथम में बूस्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ ये अकाउंट रैंक करेंगे न्यूज फीड और भी सजेशंस में ये अकाउंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, और साथ ही साथ जो इसके अकाउंट से ट्वीट्स होंगे वो सबसे टॉप पर रैंक करेगा। अब इस ट्विटर के नई एल्गोरिथम में वो ट्वीट्स की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे, रेदर देन उसमें लाइक्स और रीट्वीट। आने वाले टाइम पे ये ट्वीट्स को आप बुकमार्क और सेव्ड भी कर पाएंगे, इससे भी फर्क पड़ेगा कि कौन कितना ज़्यादा ये ट्वीट को सेव और बुकमार्क कर रहे हैं। ट्विटर के ये पोस्ट एल्गोरिथम में हमें वही पोस्ट देखने को मिलेगा जो जिसे हमने एग्जैक्टली फॉलो कर रखा है, उससे एक्स्ट्रा पोस्ट हमें नहीं देखने को मिलेंगे। और जो नए यूजर्स हैं जिन्हें ट्विटर में अकाउंट बनाई है उसे टिकटॉक के जैसे एल्गोरिथम्स देखने को मिलेंगे, मतलब उन्हें उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड फीड्स, न्यूज और इवन मीडिया कंटेंट देखने को मिलेगा। और वो अगर फॉलो कर लेते हैं तो सिर्फ उन्हीं का ही कंटेंट उनके ट्विटर फीड्स पे आएगा। आने वाले टाइम पे इलोन मस्क का कहना है कि ट्विटर में वीचैट जैसे एप्लीकेशंस के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, हम इसमें फूड और पेमेंट ऑप्शंस भी क्रिएट करेंगे और आप ट्विटर से ही फूड परचेज कर सकते हैं और पेमेंट्स भी कर पाएंगे। इतने सारे फीचर्स तो इलोन मस्क ने बता दिए। जब पहली बार इलोन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर करा था तो बहुत सारे ट्विटर के फॉलोअर्स एक्चुअली में लूज़ हो गए थे, और अभी भी करेंटली कुछ दिन पहले ऐसे देखा गया है कि ट्विटर के फॉलोअर्स बैक टू बैक लूज़ हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अब ट्विटर लेफ्ट करना शुरू कर दिए हैं, काफ़ी इंगेजमेंट कम हो गया है, कंपनीज भी बैक टू बैक फोर्स कर रही है इस चीज़ को लेकर। अब उनका जो विज़न 2028 तक ट्विटर को लेके है वो बहुत डिफरेंट है। उनके अकॉर्डिंग 931 मिलियन यूजर ओवरऑल ट्विटर में होने चाहिए, अराउंड अभी से लेके 600 मिलियन 2025 तक वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हो जाए। और इवन ट्विटर के जो ब्लू यूजर्स हैं वो अराउंड 69 मिलियन के आसपास तक बढ़ सकते हैं 2025 के आसपास तक। और जो उनने डिफरेंट टाइप के चेकआउट्स लाए अलग अलग टाइप के, उससे काफ़ी सारे लोग ट्विटर्स को यूज करेंगे और अपने तरीके से कस्टमाइज़ करके ट्विटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। ट्विटर में जो टिकटॉक के फीचर्स इंक्लूड करेंगे इससे लोग और भी ज़्यादा इंगेज होंगे और ट्विटर में अपने टाइम स्पेंड करेंगे। अब इस पॉइंट पे मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो आप ट्विटर यूज कर रहे हैं और जो फ्यूचर ट्विटर का होने वाला है, इलोन मस्क के जो भी प्लान्स हैं इसमें आपका क्या कहना, आपको क्या लगता है आप ट्विटर पहले जैसा रहेगा और ट्विटर को यूज करने में अब मज़ा आएगा, या फिर ट्विटर में जो चीज़ें हो रही हैं अब वो कम होंगी या ज़्यादा होंगे, ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो अगर ऐसे फीचर्स आते हैं तो क्या लगता है कि आप ट्विटर यूज करेंगे, इवन ट्विटर की जो ऑथेंटिसिटी है वो पहले जैसे रह जाएगी। फिलहाल ऐसा हो पता नहीं, मुझे तो अब ये लगता है कि ट्विटर में अब एलियंस आने वाले, एलियंस के अकाउंट देखने को मिलेंगे और इवन ट्विटर अब मंगल में भी जाएगा। फिलहाल के लिए अगर ऐसा होता है तो हमें भी देखने को मिलेगा, मैं भी सस्ते में ट्विटर का प्लान सब्सक्रिप्शन खरीद लूँगा। अभी के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर लेना, अपना कमेंट जरूर बताना कि आप क्या करने वाले हो इस बार ट्विटर में अगर ऐसे कुछ प्लान्स ऐड होते हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ जो हमारे चैनल का सब्सक्राइब और नॉन सब्सक्राइब के रेशियो का है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल के लिए हम लोग और भी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे, अभी के लिए हम लोग वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।